जो लोग स्मार्ट वैल्यू छोड़ के जाता है ना, हम रात में उसका सपना जरूर देखते हैं। सही बता रहे, 2007-8 का बात है। हम देवेंद्र भी आपको खरीद लेंगे, हम खरीद लेना भाई। एक हफ्ता तक वो बंदा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सबको फोन करता था। उस समय तो फोन से ही बात होता ना, अरे हम एंडेवर खरीद लिए, हम ये खरीद लिए, हम वो खरीद लिए, बहुत तरह का चीज। और उस बंदे के पास हम देखे मात्र मात्र 6-7 महीने के बाद देखे उसके घर में पुलिस वाला रेड मारने आ रहा है। उसको लगता है कि हम चले जाएंगे तो पता नहीं स्मार्ट वैल्यू अब अगले ही दिन से बंद हो जाएगा। ऐसे ही सोचता है कई लोग, कई लोग लगता है हम नहीं करेंगे स्मार्ट वैल्यू में, तो स्मार्ट वैल्यू में काम ही नहीं होगा। साले तुम चले जाओगे डबल काम होगा। yes, sir, और डबल ही होता है। yes, समझ में आ रहा है। yes, अब कुछ लोग खिंचा गया है। yes, अब खिंचा जाने के बाद तो शुरू में इतना तांडव करता है ना, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, दूसरा देवेंद्र भैया बनेंगे, चौथा बनेंगे, पांचवा बनेंगे। अबे नीट क्लीन साफ सुथरा आज से नहीं 25 साल से कंपनी काम कर रही। कितने साल से काम कर रही है? 25 साल से काम कर रही है भैया। अगर खराब कंपनी रहती तो गायब हो गए रहती। आया ना? यस सर। बहुत सारी कंपनियां आई, गायब हो गया। हमारे स्मार्ट वैल्यू था, है और इसलिए स्मार्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है मेरी बात? 50 साल हम लोग 50वां साल भी मनाएंगे। ये तो 25 साल है, 50वां साल भी मनाएंगे। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली भी हम लोग मनाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग अमेरिका में मनाएंगे। अच्छा एक डायलॉग है ना, अपना दिल समंदर जैसा रखो, छोटी मोटी नदियां खुद मिलने आएंगी। तो दिल समंदर जैसा रखो, बहुत सारे लोग साले जो ऐरा गहरा नथु खैरा लोग वो लोग आएंगे। इट इज क्लियर? यस सर। दिस इज लेना, ये आई ऐसा आ रहा है कि उनका कहना है कि वो नौकरी दे ही नहीं पाएगा। जैसे कंप्यूटर 10 लोगों का काम अकेला करता है ना, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ जाने से, कोरिया में चले जाइए, जापान में चला जाइए, वहां वेटर हटा दिया गया, सारे वेटर के जगह भी रोबोट काम कर रहा है। एआई जनरेटेड रोबोट काम कर रहा है। टाटा कंपनी में आप चले जाओ, पहले लोग वर्कर थे, अभी मैक्सिमम रोबोट काम करता है वहां पे। क्या काम करता है? रोबोट। इंसान को रिप्लेस कर रहा है रोबोट। तो नौकरियां आने वाली नहीं है, नौकरियां जाने वाली है। समझ में आ रहा है? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि किसी भी चीज का बहाली आता है ना, जैसे जेपीएससी का या यूपीएससी का या फिर पुलिस फोर्स झारखंड का या किसी का भी, तो मैं तो जिस जगह पे रहता हूं रांची में, संजेवियर वाला रोड है, पुरलिया रोड, वहां पे केवल कॉलेज और स्कूल है। कोई ऐसा संडे नहीं होगा जिस संडे को वहां पे मैं हजारों लोगों को नहीं देखता हूं। अब कुछ कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 4-5 साल से आ रहा है। अब बड़े बड़े अच्छा अच्छा पढ़ाई करने वाला बंदा, तो नौकरी मिलने से रहा मेरे भाइयों, सुन लो। और जिसको लगता है ना कि मेरे पास टैलेंट है, आजमा के देख लो। मैं ओपन बोलता हूं, मैं 1 महीना का स्मार्ट वैल्यू का आपको छुट्टी देता हूं। क्या करता हूं मैं 1 महीना स्मार्ट वैल्यू मत काम करो, आपका पेमेंट वेमेंट आएगा तो वो आने दूंगा, मैं उसमें रोक टोक नहीं करूंगा। अब जाइए 1 महीना, कभी कभी ना इंसान को आजमाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे सीनियर गुस्से में एक दिन बोला, साला तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, साला ये नहीं होगा, तुम लोग क्या कर पाओगे, वो कर पाओगे, कर पाओगे, बहुत तरह बात। तो एक दिन हम लोग रिवेंज में ले लिए, साला अपलाइन बोलते रहा था, नौकरी नहीं मिलेगा, दिखा देते हैं। चल तो रे, चल तो मार्केट में जाके देखते हैं, नौकरी नहीं मिलेगा, करेंगे नहीं, लेकिन एक वो दिखा देंगे कि नौकरी मिल सकता है, भैया दिखाएंगे, ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर। यही चर्च कॉम्प्लेक्स है रांची में, जिसमें हम लोग नौकरी मांगने के लिए गए थे, साला इंटरव्यू देने में तो पहले तेल निकल गया, ठीक है। पहली बात तो मेरे 2-3 लीडर, जिसको मैं नाम नहीं लूंगा, उसको बोले इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखो, हैं? हैं? बोले इंग्लिश में लिखिए, आप लेटर लिखिए कि आपको जॉब की क्यों जरूरत है। भैया इंग्लिश में आता ही नहीं। तो हम बोले तू पहले रिजेक्ट हो जा। अब हम लोग जैसे तैसे करके ये एप्लीकेशन लिख के दिए,
तो हम लोगों को बोला गया आप लोगों की नौकरी 4000 मिलेगा, कितना मिलेगा 4000। सुन लो, ऐसे बोला, सुन लो, 30 दिन में 25 से 26 दिन काम करना होगा। हम बोले अच्छा, सुबह 10 बजे आ जाना, शाम को 6 बजे जाना, कभी कभी जल्दी भी आना पड़ सकता है, कभी कभी संडे को भी आना पड़ सकता है। ये हिदायत दे दिया भाई, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिला 4000। हिदायत सुन लो, समझ में आ रहा है? और नहीं आया तो सैलरी कटेगा। हम बोले कितना कटेगा? तो बोला एक दिन का हिसाब जोड़ लो, जितना एक दिन का उतना दिन का मैं काट लूंगा। हम बोले बे ऐसे करके अगर किसी किसी दिन नहीं उठ पाया, मन नहीं किया, 10 दिन नहीं आया तो आधा सैलरी तो ही खा दे, बचा क्या? कुछ नहीं बचा, तमूरा क्या बचा। उसके बाद उस बॉस का जो मूड था ना, हम अगल बगल वाले जो लोग नौकरी कर रहा था उससे पूछे तो तारे बड़ी गाली देता है, गाली खा सकते हो तभी आना। हम लोग को लगा ना कि इज्जत का रोटी स्मार्टे लल्लू मिलेगा। सही बता रहा हूं, एक जगह नहीं दो तीन जगह गए और ये बात मेरा आप लोग जो बार बार बोलता था ना, हम लोग गुस्सा होके एक बार गए तो औकात देख लिए। उस दिन से आप लाइन जैसे पहले बोलता तो बुरा लगता था, उस दिन के बाद से जब भी आप लाइन बोले कि नौकरी, हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, नौकरी खराब नहीं होता। उस दिन एहसास हो गया कि आप लाइन सही बात बोलता है। तो कभी कभी ना आदमी को आजमाना चाहिए, जैसे आज कई लोगों को लग रहा होगा देवेंद्र भैया प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊं। समझ में आ रहा है? मेरे ही कई लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वैल्यू छोड़ के गए नौकरी, अभी तक 3 नौकरी चेंज कर दिया है। एक जगह पता नहीं, नाम नहीं लूंगा, 3 महीना काम के सैलरी नहीं दिया, बोला कंपनी को बेनिफिट ही नहीं हुआ तो कहां दे, हम अपना जेब से दे। अभी तीसरा जगह नौकरी पकड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है ना भाई साहब, नौकरी में तेल निकल जाएगा और दिया भी नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है? और ये सच बात है, नौकरी करने वालों से पूछो जाता है, और बॉस का गिफ्ट में गाली मिलता है, भर भर के बोनस टाइप का गाली मिलेगा। समझ में आ रहा है? और कभी कभी तो वो लोग इतने हाई रेंज में चले जाएंगे, जैसे अभी यहां दीदी ने भेज तो भी आप लोग बाबू कर लो, बाबू सोना कर लो, हम लोग बोलते हैं ना, वहां नहीं गया बे, इधर आओ। वो सीधे मां से स्टार्ट करेगा, बहन में उतरेगा, गाली देता है भाई, बहुत गंदा गंदा गाली। मैं आपको बता देता हूं किस रफ लैंग्वेज में निकल जाएगा, और नौकरी सुन लीजिए, नौकरी छोड़ने के बाद भी आप चूं तक नहीं बोल सकते उस कंपनी के बारे में। जितना लोग नौकरी छोड़ के गया आज तक चूं बोल पाया है? नहीं बोल पाता है। स्मार्ट वैल्यू जो लोग नौकरी करता था, क्योंकि आपके पास एक एग्रीमेंट होता मालूम है, क्या एग्रीमेंट होता मालूम है, कि अगर आपने इतना दिन के बीच में कुछ भी बोला तो आपका जितना भी पीएफ जो भी है सब कट जाएगा और आपके ऊपर केस किया जाएगा। ये मैं कहां से जाना है, संदीप नाम का बंदा काम करता था, वो बंदा जब नौकरी छोड़ के गया ना, बोला भैया मैं 11 महीना कुछ नहीं बोलेंगे। बोले क्यों? बोला भैया ऐसा लेटर लिखवा लिया ना कि मेरा घर जो है ना बिक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी तक आप लोगों को मैं एकदम खुल के बोल देता हूं भाई, वाई स्मार्ट वैल्यू, मैं रियली बता रहा हूं, स्मार्ट वैल्यू से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। यस सर। और मैं आपको बता देता हूं, कंपनी अभी जस्ट हम लोगों की बातचीत जो हुई है, उस बातचीत के हिसाब से मैं खुल के बोलता हूं आपको, आपको जानकर बहुत हैप्पी लगेगी, बहुत खुशी होगा आपको, कि स्मार्ट वैल्यू लॉन्च करने जा रही है मेगा 25 ईयर सेलिब्रेशन। क्या 25 ईयर सेलिब्रेशन, जिसमें सुपर स्मार्ट ऑनवर्ड आएंगे। कौन आएगा? सुपर स्मार्ट ऑनवर्ड। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है, वो जानता है कि यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो करोड़ों लोगों को इनकम दे सकता है। क्या दे सकता है? इनकम। मैं नौकरी नहीं बोल रहा हूं, इनकम दे सकता है। हेलो। तो अभी 25 ईयर का सेलिब्रेशन होने वाला 5-स्टार होटल में, जिसमें कोई बिग सेलिब्रिटी आएगा, कोई भी बिग सेलिब्रिटी हो सकता है। ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन अभी हो रहा है, ये सेलिब्रेशन में हम लोग की कंपनी अगला 5 साल 10 साल क्या करेगी, उसका पूरा विजन है उनके पास।
सबसे बड़ा गुड न्यूज यह है कि अगला साल ये जो खत्म होगा अप्रैल, अप्रैल के बाद जो नया सेशन आएगा, गुड न्यूज यह है कि हमारी कंपनी सुपर स्मार्ट ऑनवर्ड, सुपर स्मार्ट से, अभी तक तो सिल्वर से था, सुपर स्मार्ट को हमारी कंपनी दे रही है बोनस। क्या देगी? बोनस। ये बोनस 8,000 से 10,000 के बीच में चल रहा है। कितना? 8,000 से 10,000। ऐसे हम लोगों ने तो प्रपोजल, लड़ाई झगड़ा किया 10,000 के लिए, समझ में आ रहा है? तो सोच के देखो, रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई कंपनी टिकेगा नहीं। दो चार कंपनी जो बरसात में भर गया, उछल रहा है ना, उसमें कुछ लोग मेढक लोग जाकर, वो सूखने वाला है। दो चार तो सूख भी गया है, और दो चार लोग हर साल सालन मार्केट में नया नया देखते हैं, समझ में आ रहा है? कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी। बहुत पहले एक ड्रीम इंडिया बोल के आया था, फिर फ्यूचर इंडिया आया, समझ में आ रहा है? फिर ब्राइट इंडिया आया, फिर वो इंडिया आया, बहुत दुनिया भर का आता और जाता है। हम आज से देख रहे हैं, ये साला इतना दिखावा कर देता है ना, और दिखावा करने में, लालच में कुछ हमारे जो मतलब बोल सकते हैं, ये अच्छा चीज भी लेकिन होता है, इसको मैं एकदम बिल्कुल अच्छा चीज मानता हूं। ये लोग एक तरह से यमराज है, स्मार्ट वैल्यू का यमराज है, या स्मार्ट वैल्यू का ये लोग बोल सकते हो क्लीनर है। क्या है? क्लीनर है। जैसे कचड़ा साफ नहीं होता है, ये सब कंपनियां हमारा जितना कचड़ा अचड़ा है ना, उसको लेकर निकल जाता है। हम लोगों को बाहर से आना ही नहीं पड़ता किसी को। हम क्यों पंगा लेंगे भाई, तुम करो ना करो, कुछ लोग ऑलरेडी खींच लेता है, और कुछ लोग खिंचा जाता है तो बढ़िया बात है, हम लोग खुश होते हैं, बहुत अच्छा यार तू चला गया, अच्छा बात है। उसको लगता है कि हम चले जाएंगे तो पता नहीं स्मार्ट वैल्यू अब अगले ही दिन से बंद हो जाएगा, ऐसे ही सोचता है कई लोग। कई लोग लगता है हम नहीं करेंगे स्मार्ट वैल्यू ना, तो स्मार्ट वैल्यू काम ही नहीं होगा। साले तुम चले जाओगे डबल काम होगा। और डबल ही होता है। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग खिंचा गया है। अब खिंचा जाने के बाद तो शुरू में इतना तांडव करता है ना, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, दूसरा देवेंद्र भैया बनेंगे, चौथा बनेंगे, पांचवा बनेंगे। अबे दो आदमी भी दिखेगा, टुडे मेगा प्लान, सो इधर दिखा रहा दो आदमी। अबे मेगा मतलब कुछ होता है, उसका नाम भी अच्छे से रखो भाई, ऐसे बोलो टुडे दो ट्रेंडिंग, ऐसे बोलो। इतना स्टेटस, इतना ये फलना ढकना ये वो। एक बंदा था ऐसे, शुरू शुरू में जो पहला बंदा छोड़ के गया था ना यहाँ से, 2007-8 का बात है, हम देवेंद्र भी आपको खरीद लेंगे, हम खरीद लेना भाई। एक हफ्ता तक वो बंदा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सबको फोन करता था। उस समय तो फोन से ही बात होता ना, अरे हम एंडेवर खरीद लिए, हम ये खरीद लिए, हम वो खरीद लिए, बहुत तरह का चीज। और उस बंदे के पास हम देखे मात्र मात्र 6-7 महीने के बाद देखे उसके घर में पुलिस वाला रेड मारने आ रहा है। जो लोग स्मार्ट वैल्यू छोड़ के जाता है ना, हम रात में उसका सपना जरूर देखते हैं। सही बता रहे, जो स्मार्ट वैल्यू छोड़ के देखता है, हम उसको उसका सपना रात में जरूर देखते हैं। हम सपना में देखते हैं वो दौड़ रहा है, और उसके पीछे कम से कम 200 आदमी दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना स्मार्ट वैल्यू जैसा डिसिप्लिन तो कहीं रहेगा नहीं, शिष्टाचार तो सिखाएगा नहीं, घोटालाबाजी ज्यादा वहां करेगा, और दौड़ रहा और चिल्ला के बोल रहा देवेंद्र भैया बचा लीजिए, और हम सपना में हाथ बंद करके बैठे भैया बचा लीजिए। ये हुआ है कई लोगों का बुरा हाल, लेकिन थैंक यू जितनी भी कंपनियां, बहुत बहुत थैंक यू, हम गाने नहीं देते, थैंक यू बोलते हैं। बिल्कुल स्मार्ट वैल्यू का कचड़ा को आप साफ करते हैं, और हर साल कोई ना कोई नया कंपनी आकर कचड़ा साफ करके निकल जाता है, और हम लोग को पवित्र बना देता है, समझ में आ रहा है? तो थैंक यू, अभी जो कंपनी आके 2-4 लोगों को ले गया टांग के, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर यहां मरता, फिर गंध मारता, फिर हम लोग को बदबू लगता, इससे अच्छा निकल गया, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को घबराना नहीं, हम लोगों को पानी साफ होते रहता है, समझ में आ रहा है मेरी बात? इसीलिए स्मार्ट वैल्यू करना है, नीट क्लीन साफ सुथरा,
आज से नहीं 25 साल से कंपनी काम कर रही है। कितने साल से काम कर रही है? 25 साल से काम कर रही हूँ भैया। अगर खराब कंपनी रहती तो गायब हो गए रहती। आया ना? यस सर। बहुत सारी कंपनियां आई, गायब हो गया। हमारे स्मार्ट वैल्यू था, है और इसलिए स्मार्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है मेरी बात? 50 साल, हम लोग 50वां साल भी मनाएंगे। ये तो 25 साल है, 50वां साल भी मनाएंगे हम लोग। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली भी हम लोग मनाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ नहीं, हम लोग अमेरिका में मनाएंगे। एक समय में बोलते थे कि हम लोग सेलिब्रेशन मनाएंगे फॉरेन में। आज होता है कि नहीं होता है सेलिब्रेशन फॉरेन में? गोवा में होता है कि नहीं होता है? थाईलैंड में होता है कि नहीं होता है? दुबई में होता है कि नहीं होता है? और आज बोल रहे हैं कि आने वाला हम लोग 5 साल बाद का सेलिब्रेशन हम लोग अमेरिका मनाएंगे, वो भी होने वाला है। समझ में आ रहा है? बस देखना, खिंचा मत जाना। समझ में आ रहा है? आज खिंचा जाओगे तो मतलब तुम कमजोर हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम लोग ना तो खिंचाते हैं ना किसी को खींचते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, बड़ा अच्छा एक डायलॉग है ना, अपना दिल समंदर जैसा रखो, छोटी मोटी नदियां खुद मिलने आएंगी। yes, तो दिल समंदर जैसा रखो, बहुत सारे लोग साले जो ऐरा गहरा नथू खैरा लोग, वो लोग आएंगे। इट इज क्लियर? यस सर। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वैल्यू। बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो साला मेरा मुंह चुप करा दिया गया। बहुत सारे गुड न्यूज आने वाला लड़कियों के लिए, तो स्पेशली बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बो आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब स्मार्ट वैल्यू अगला 5 से 10 साल में छा जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। बिंदास काम करो, यहां से बेस्ट करियर कहीं भी नहीं। सोचना भी मत, दिमाग में भी मत लाना। सोशल मीडिया में जितना भी चीज जो दिखता है ना, वो होता नहीं। हेलो, हम स्मार्ट वैल्यू को लोग दिखाते नहीं। अभी कार वाला ही दिखा दिया तो कई जगह पे हाहाकार हो गया। अभी और भी चीज दिखा दिया जाएगा, घर द्वार तो पता नहीं कई लोग मर मर आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, कार वाला, अरे बाप इतना कार है स्मार्ट वैल्यू में। दूसरा लोग, हम गलती किए छोड़ गए, बोले गलती नहीं तुम पाप की हो साले। अगर आपको मेरी ये ट्रेनिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए।